दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे वो बीई के लिए हो, फार्मेसी के लिए हो, एमसीए के लिए हो, एमबीए के लिए हो, या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके लिए मैं सिर्फ एक का एग्जाम्पल दूंगा आपको, बीई का फॉर्म भर के दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा काउंसलिंग के लिए। इसी तरह से बाकी कोर्सेज का भी रजिस्ट्रेशन होता है, और अगर आप चाहते हैं उस पर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाओ तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस हो रहा है, तो अगर आप बाहर जाते हैं इंटरनेट कैफ़े में, अगर नहीं आता तो जा सकते हैं, लेकिन इस समय कोरोना में बाहर ना जाके आप खुद ही अगर सीख लेते हैं कि मोबाइल में फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो आगे आने वाले समय में भी आपको और भी फॉर्म भरने में मदद मिलेगा। तो इस वीडियो में आप सीख पाएंगे कैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं हूँ नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं सीखो समझो यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले हमको गूगल में जाना होगा, और गूगल में जाकर लिखना है cgstate.government.in 2020, और इसको लिखने के बाद क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये साइट, अलग अलग साइट दिखाई देंगी, जिसमें से आपको दूसरे नंबर की साइट में जाना है, या फिर डायरेक्ट आप उस साइट का एड्रेस लिखकर उसी में डायरेक्ट जा सकते हैं, जो कि cgdte.raipur.cgstate.government.in। तो डायरेक्ट इसमें भी जा सकते हैं, या फिर आप, मैं जैसे ही गया हूँ वैसे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाएगा इस साइट का, ऑनलाइन काउंसलिंग अवेलेबल टू स्टूडेंट्स। तो नीचे जाकर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-2021। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा पेज। यहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21 पे क्लिक करेंगे, इधर कुछ भी और इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं एडमिशन के लिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग 2020-21 पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से आपको पात्रता चाहिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो नियम दिए हुए हैं बिंदु नंबर 6 पे, वो बिंदु पे आप जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं नियम वगैरह। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोग्राम दिए हुए हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बीटेक, उसके अलावा दिया हुआ है आपको CDDM DE, जो कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट दिया हुआ है मॉम। तो ये सब चीज़ दिए हुए हैं जो आप भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। यहाँ पे डेट वगैरह भी दिए हुआ है, जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपको 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक पहला फेज चलेगा। फिर करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है, पूरा शेड्यूल दिया हुआ है कब आपको क्या क्या करना है, तो उसके सारे डेट आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा इधर इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप काउंसलिंग प्रोसेस या फिर एडवर्टाइजमेंट देख के सारे रूल्स रेगुलेशन जान सकते हैं। बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं तो आप वो देख सकते हैं, एडमिशन रूल्स दिए हुए हैं इंग्लिश में, हिंदी में, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग प्रोसेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है सारे प्रोसेस, आप इसको देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे मैं न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आई अंडरस्टैंड यहाँ पे मैं एग्री कर लेता हूँ, जो ये बॉक्स दिया उस पर क्लिक करके, और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाता है अदर स्टेट का और छत्तीसगढ़ का। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो उस पर क्लिक करिए, और अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो उसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ से क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट एंड कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ से आप हिंदी सर्टिफिकेट देख सकते हैं, SC ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर, परमानेंट रेसिडेंस, तो जो भी आप सर्टिफिकेट चाहते हैं यहाँ से भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं अपलोड करने के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु प्रमाण पत्र, ये हिंदी में दिया हुआ है, वैसे ही बहुत सारे फॉर्म दिए हुए हैं और इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। जैसे देख सकते हैं आप SC ST के लिए जो फॉर्म है वो यहाँ पर देख सकते हैं और इसको भर सकते हैं। सारे कॉलेज के डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको आप जाके चेक कर सकते हैं कौन से कॉलेज में क्या क्या सीट अवेलेबल है, कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट का दिखा देता हूँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर का। तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ब्रांच दिए हुए हैं, सीट्स वगैरह दिए हुए हैं। उसके अलावा आप सीट मैट्रिक्स पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं किसके किसके लिए कितना कितना सीट जो है वो फिक्स है, यहाँ पर पूरा चीज़ देख सकते हैं आप।
उसके अलावा अगर आप चाहें तो इस तरह से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब फॉर्म में आ जाते हैं, सबमिट करने के बाद फॉर्म में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा एग्ज़ाम नेम, ट्वेल्थ। उसके अलावा आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से पढ़े हैं तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सेलेक्ट कर सकते हैं, अदर आपका स्टेट है या फिर कोई और बोर्ड है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए पासिंग ईयर दिया हुआ है, पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका पासिंग ईयर है ट्वेल्थ एग्जामिनेशन का तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रोल नंबर देख लेते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, सन, जो भी मंथ था, जो भी आपका ईयर था और जो डेट था वो सारी एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, जो आपका मोबाइल नंबर चालू है वो वाला मोबाइल नंबर ही डालें। उसके बाद एक अच्छा सा स्ट्रांग पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और सेम पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में डाल देते हैं। कम से कम 8 अंक का, 8 शब्दों का आपका पासवर्ड होना चाहिए और उसमें मिक्स करके कैपिटल स्मॉल करके डालिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपको इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और क्लिक हियर टू लॉगिन कर सकते हैं, इसको क्लिक कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड डालें उसको यहाँ पर डालकर और कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पे देखिए आपको नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ पहले से ले लिया है, जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल हो या फीमेल वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से कैटेगरी UR है, अनरिजर्वड है या फिर OBC है या फिर ST SC है, यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रीडम फाइटर वगैरह हैं तो यहाँ से मदर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, फादर का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आपका जो, या फिर पहले से ले लेगा ये मोबाइल नंबर पहले से ले लेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं जो चेक करते रहते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रीजन डाल सकते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, मुस्लिम है तो इस्लाम, हिंदू है तो हिंदुइज्म, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अपना स्टेट डाल सकते हैं, चलिए हिंदुइज्म सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आप शहर से गाँव से हैं, गाँव से हैं तो रूरल सेलेक्ट करिए, शहर से हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने गार्जियन का नंबर, जिसके नंबर पे कॉल किया जा सके और वेरिफिकेशन किया जा सके, तो वहाँ पे आप डाल देते हैं अपने गार्जियन का नंबर। उसके अलावा हम सेकेंड स्टेप पे आ चुके हैं, पहले स्टेप भरने के बाद सेकेंड स्टेप में आने के बाद आपको 12 अपने क्वालिफिकेशन डालना है, रोल नंबर डालना है, पासिंग ईयर डालना है, स्कूल का नाम डालना है और पासिंग ईयर डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बोर्ड नेम डाला हुआ है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल। फिर यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स डालना होगा, जो आपके ट्वेल्थ बोर्ड में टोटल मार्क्स है, उसके बाद आपको कितना मिला और परसेंट कितना था, उसी हिसाब से सेपरेट सेपरेट सब्जेक्ट में भी आपको कितने फुल मार्क्स मिले, कितने का वो कितने ऑप्टेंड हुए और कितना फुल मार्क्स का था और कितने परसेंटेज बने, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप ग्रेस से पास हुए हैं तो उसमें टिक करना पड़ेगा। तो ये सारे डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो चेंज करना होगा और अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो नीचे आ जाते हैं। क्योंकि ये फॉर्म मैं खुद नहीं भर रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा आपको इसके गाइड से आपको दिखाना पड़ रहा है कि यहाँ पे आप फ़ोटो इस तरह से भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। 50 KB का मैक्सिमम अपलोड साइज़ होना चाहिए, चाहे वो फ़ोटो का हो या सिग्नेचर का हो। नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आप भुगतान राशि कर सकते हैं, सब कुछ अपलोड हो गया, सारी चीज़ें डिटेल डाल चुके हैं, तो यहाँ पे भुगतान राशि करना होगा, पेमेंट गेटवे 1 या 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 500 रुपये अमाउंट डालना है, कैप्चा डालना है और यहाँ से मैक पेमेंट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे डेबिट कार्ड यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो गेटवे से जा सकते हैं। उसके बाद फिर से प्रीवियस में जाके चेक कर सकते हैं या फिर सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सही है, सक्सेसफुल हो गया होगा, तो आपको ट्रांजेक्शन आई डी मिलेगा, इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। गो टू डैशबोर्ड में, उसके बाद आप डैशबोर्ड में जा सकते हैं या फिर आवेदन फॉर्म में वापस जा सकते हैं, गो टू एप्लीकेशन में या फिर गो टू डैशबोर्ड में। तो आगे जाएंगे तो ब्रांच का चयन, जिस ब्रांच को चाहते हैं, फिर संस्था, आपको किस कॉलेज में चाहिए, फिर कॉलेज का टाइप क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे एक्शन जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो या प्रेफरेंस देना आपको, पहला कॉलेज कौन सा आप लेना चाहेंगे, दूसरे में कौन सा लेना चाहेंगे, अगर पहला नहीं मिला तीसरे में कौन सा, चौथे में कौन सा, तो इस तरह से आपको 10 प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है ब्रांच के साथ और महाविद्यालय का संस्था का नाम चुनना है और आप इस तरह से इधर एरो दिया उसको कट या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा जो है ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं, 10 प्रेफरेंस दी हुई है, उसके अलावा और भी 8 न्यू रो कर सकते हैं, तो नई पंक्तियाँ जोड़ सकते हैं और भी सेलेक्ट कर सकते हैं कॉलेज के नाम। और उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो आपके द्वारा चुनी गई पाठ्यक्रम जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको ले जाना पड़ेगा, 10th का क्लास सर्टिफिकेट चलेगा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, 12th का क्लास मार्कशीट और आपको छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र चाहिए जो कि इस तरह से परफॉर्मर नंबर 5, 6, 7, 8 के अनुसार बना हो, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, उसके अलावा आपको
निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन है जिसमें आई एग्री पे बॉक्स में क्लिक करना है, फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखिए इस तरह से आप डैशबोर्ड वगैरह में जा सकते हैं। यहाँ पे भी आई एग्री करना है, यहाँ से एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन से आप गो टू डैशबोर्ड में जा सकते हैं, अपने डैशबोर्ड को देख सकते हैं। तो नोट डैशबोर्ड में क्लिक करने पर आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारी देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ से सुधार कर सकते हैं आप, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, भुगतान की जानकारी देख सकते हैं नेक्स्ट वाले से, आवेदन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं तीसरे नंबर से, और आवंटन पत्र देख सकते हैं चौथे नंबर से। तो आवंटन पत्र लेकर भी जाना पड़ेगा तो उसको भी आप डाउनलोड कर लें। और इस तरह से आपको नीचे में शो करेगा आपके सारे डिटेल्स वगैरह, जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करें या फिर आप सुधार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं और समय समय पर स्टेटस देखते रह सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही पूरी जानकारी हम देना चाह रहे थे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई शिकायत सुझाव तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.